ये क्या अनर्थ हो गया? कालचक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निकल लिया है और मैं कुछ ना कर सका। चक्र तो पृथ्वी लोक को भी अपनी ओर खींच रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं सबको। क्या हो गया? वायु विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सब कुछ खींच रहा है। शक्ति से ये काल चक्र पृथ्वी को खींच रहा है। मंगल ग्रह की ही भांति ये समस्त पृथ्वी को अपने अंदर निगल लेगा। ये तो बड़े ही भयावह स्थिति होती जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न जाने क्या होने वाला। अशुभ संकेत है ये, अवश्य ही कोई अघटित घटने वाला है। हे महादेव, हनुमान की रक्षा करना। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल हो। समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे बचाऊं सबको। कहीं मेरी माँ भी। ठीक तो हो ना अंजना? माँ, माँ मुझे पुकार रही है। समाज से पहले होता है नगर और नगर से पहले होता है राज्य, किंतु राज्य से भी प्रथम होता है संसार।
इसीलिए ध्यान रखना मेरे लाल, यदि कभी भी एक ओर माता पिता और दूसरी ओर संसार संकट में हो तो तुम्हें संसार के संकट का निवारण करना होगा। पृथ्वी संसार की माँ होती है और तुम्हें उस माँ को पहले बचाना होगा। माँ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपने ही मुझे सीख दी थी कि परिवार से बड़ा समाज होता है और समाज से बड़ा देश और देश से बड़ा संसार होता है। मैं पूरे संसार की रक्षा करूंगा माँ। तुमने काल चक्र तो काल का ग्रास है, उसमें क्यों प्रवेश हो गए तुम? मुझे दुख है तुम्हारे लिए। न्याय के स्थान पर अन्याय का साथ देने वाला विरोधी है मेरा। उसे मेरे कोप का भाजन बनना ही होता है। जो भी अन्याय का साथ देगा वो इस काल चक्र का सामना करेगा। अन्याय का साथ देने वालों को समाना पड़ेगा इस काल चक्र में। हनुमान की भांति ही सदा सर्वदा के लिए। इसकी आकर्षण शक्ति का विरोध मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से करूंगा, नहीं खींच सकेगा ये काल चक्र मुझे। चक्र का मुंह बंद करना होगा, तभी सृष्टि की रक्षा हो सकेगी। हनुमान कैसे इस खुले हुए काल चक्र के मुख द्वार को बंद कर पाएगा? काल चक्र, तुम कितनी भी शक्ति लगा लो किंतु मुझे नहीं डिगा पाओगे। हनुमान पुत्र, मैं दुखी हूं तुम्हारी स्थिति, किंतु स्मरण रहे पुत्र, निरंतर प्रयास करने वालों की कभी पराजय नहीं होती। वरदानी शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रहे हो। तुमने इस पृथ्वी लोक को बचा ही लिया।
प्रतीत होता है भयावह स्थिति सामान्य हो रही है। देखना हनुमान भी शीघ्र ही सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। हनुमान। प्रणाम कालदेव। हनुमान अब उठ जाओ कालचक्र के मुख द्वार से। कालदेव यदि मैं यहाँ से हट गया तो ये कालचक्र संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। यही प्रवृत्ति है कालचक्र की हनुमान, इसे तुम नहीं रोक पाओगे। क्षमा करें कालदेव, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। मैं अपने प्रयास से पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान, कालचक्र के मुख द्वार को बंद करना किसी के भी वश का कार्य नहीं है। ये स्वतः बढ़ता है, इसे बंद करने में मैं भी असमर्थ हूं। मुझे क्षमा करना पुत्र। मेरे ही शनि लोक को खींचने लगा है। ये क्या? ये काल चक्र तो शनि लोक को भी खींच रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं होने दूंगा चाहे मुझे अपनी देह का आकार कितना भी बढ़ाना पड़े। मुझे मेरे ग्रह की रक्षा करनी होगी। भ्राता शनि, शनि लोक के सामने मत जाइएगा भ्राता शनि। आपका शनि लोक काल चक्र के आकर्षण परिधि में आ गया है। ये काल चक्र की तीव्र आकर्षण शक्ति कभी भी हनुमान को भीतर खींच सकती है और स्वयं आपको भी। भ्राता काल देव, शनि हूं मैं, सक्षम हूं स्वयं अपने ग्रह की रक्षा करने में। आप चिंतित ना हो, उसके लिए मुझे किसी हनुमान की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपने ग्रह को आपकी आकर्षण परिधि से अभी बाहर करता हूँ। हनुमान, अभी भी समय है, हट जाओ वहां से, बचा लो स्वयं को, अन्यथा ये काल चक्र तुम्हें भी लील लेगा। भ्राता शनि, आप भी हट जाइए।
माता शनि हट जाइए आप। माता शनि ना हनुमान ने मेरी बात मानी ना भ्राता शनिदेव ने, अब भुगतना होगा इन दोनों को इसका दुष्परिणाम। क्या हो रहा है? मेरी दृष्टि से बने ये कालकूप मुझे ही निकल रहे हैं। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये कालचक्र तो बहुत ही शक्तिशाली है, सबको अपने अंदर समाता ही जा रहा है। ना जाने क्या होने वाला है, ये कालचक्र तो असमय ही प्रलय जैसी स्थिति बना रहा है। ये क्या, इसकी आकर्षण शक्ति तो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। नारायण नारायण शनिदेव, देख लिया अपने अहंकार और क्रोध का परिणाम, आप अपनी ही दृष्टि से निर्मित हुए। जिस काल चक्र को देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि वो सारे संसार को लीन लेगा, उसने आपको भी लीन लिया है। दूसरों का बुरा चाहने वालों का बुरा ही होता है। जो औरों के लिए खड्डा खोदते हैं उसमें ही खड्डे में गिरते हैं। कालचक्र की इस बढ़ती हुई भयता को तो अब मात्र कालदेव ही रोक सकते हैं। हमें सृष्टि को असमय ही इस प्रकार नष्ट होने से बचाना चाहिए। हनुमान और शनिदेव दोनों ही कालचक्र में समा गए हैं। हमें शीघ्र ही कालदेव के पास जाकर विनती करनी होगी। हनुमान, अब इस पूरी सृष्टि को काल चक्र में समाने से ना तो तुम रोक सकते हो और ना ही मैं।